अपने भाग फर्स्ट के अंदर 9.1 प्रश्नावली कंप्लीट की थी, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था एक बार वापस रिवीजन बता देता हूँ मैं आपको। दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। दूरी सूत्र क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने भाग फर्स्ट, अब भाग सेकेंड पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या आता है वो ध्यान दें। अपन ने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा है, ग्राफ खींचा, इस प्रकार से ग्राफ बनाए, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश, और यहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं जीरो एंड जीरो, ये ध्यान रखना। अब अपन को क्या पूछा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे माना ए बिंदु यहाँ पे दे रखा है, बी बिंदु यहाँ पे दे रखा है, और ये अभी तक अपन ने भाग फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि इनकी दोनों के बीच की दूरी। अब भाग सेकंड के अंदर अपन को पढ़ना है, भाग सेकंड के अंदर क्या प्रश्न आएगा कि इस बिंदु के निर्देशांक माना एक्स वन वाई वन, इस बिंदु के निर्देशांक एक्स टू वाई टू दे रखा है। अब प्रश्न कैसे आएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसमें ये कहा जाएगा कि यहाँ पे एक बिंदु P दे रखा है, क्या दे रखा है बिंदु P दे रखा है, और क्या पूछा, ये पूछा जाएगा कि AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब ये पूछा जाएगा अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ये प्रश्न इसके अंदर अपन को इसका सूत्र निर्माण करना। जैसे माना ये एक बिंदु P दे रहेगा, अब इस P के निर्देशांक अपन क्या मान लेते हैं X और Y मान लेते हैं, तथार्थ क्या प्रश्न बना, A व B, A के निर्देशांक X1 Y1, B के निर्देशांक X2 Y2 मान के चला, और P बिंदु जिसके निर्देशांक X और Y इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अपन मान लेते हैं कि जो अनुपात विभाजित करेगा अनुपात, उस अनुपात को अपन क्या मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में क्या करेगा विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ये बिंदु इसको M1 अनुपात M2 में क्या करेगा विभाजित करेगा। तो अर्थात अब अपन को इसके अंदर प्रश्न, इसके अंदर एक सूत्र बनेगा, उस सूत्र का बनने का क्या है, यहाँ पे इसके अंदर लंब डाल दो, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दो, यहाँ से इसके ऊपर क्या करो लंब डाल दो। माना यहाँ पे पी तो अपन ने ले लिया, यहाँ मान लेते अपन एक्स हुआ, एक्स भी नहीं ले सकते अपन, सी डी और ई ले लो। अब यहाँ से इसके ऊपर वापस लंब डाल दो, यहाँ से इसके ऊपर वापस लंब डाल, ये दो त्रिभुज बन गए। जैसे अपन इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं एम, तो अपन ने क्या किया ए बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला, ए पी बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला, और यहाँ से भी इसके ऊपर क्या करा लंब डाला। जब लंब डाला तो इसका मतलब यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब कोई भी रेखा किसी समांतर रेखा या किसी भी रेखा पर लंब होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का बन गया, तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जब अपन ने इस समरूप के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे 11वीं प्रश्नावली में, 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे समरूप के बारे में पूरी डिटेल, एक 6 नंबर की प्रश्नावली पूरी डिटेल होगी। तो इसके अंदर अपन को ये समझना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, समरूप का मतलब होता है जिसके दो कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एक तो ये 90 डिग्री हो गया, एक ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। दूसरा ये रेखा समानांतर है, ये रेखा समानांतर, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया संगत कोण हो गया। संगत कोण होते हैं अपन कहते हैं दो रेखाएं समानांतर होती हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है संगत कोण कहलाता है, और दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते। इसी प्रकार से ये दोनों कोण भी क्या हो गए बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे समरूप कहलाएंगे। तो ये अपन डिटेल समरूप के बारे में 11वीं प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, 11वीं में पूरी दे रही है समरूप क्या चीज है, आप इसको समझेंगे ये समरूप है, और सब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके अनुपात क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, अनुपात क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना अपन को। तो इसके अनुपातों को बराबर लेते हुए इसका एक सूत्र बनता है, तो जो पी बिंदु हैं वो ए बी रेखाखंड को,
रेखाखंड को क्या करता है, अंते विभाजन करता है, अंते विभाजित करता है, अंदर ही कर रहा है, यहाँ बाहर नहीं कर रहा, तो अंते विभाजित। यहाँ पे दो सूत्र बनते हैं अपने, एक तो अंते विभाजन करता है उसका, और एक बनता है अपन के बाह्य विभाजन करता है उसका सूत्र। तो उसका सूत्र क्या होता है वो ध्यान दें, तो जब भी अपन को ये कहा जाए कि अंते विभाजन करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करें, तो ध्यान रखना अंते विभाजन के लिए सूत्र अपन को याद होना चाहिए। उसका सूत्र होता है पी ऑफ एक्स एंड वाई, ये पी का मान यहाँ पे एक्स एंड वाई बराबर होता है कोष्टक एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू होता है। ये सूत्र अपन को याद, क्या है पी ऑफ एक्स एंड वाई एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये सूत्र क्या बताता है कि जो इसको सोल्व करेंगे ये पूरा किसके बराबर होगा, x का मान बताएंगे, अर्थात इसको ऐसे x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू लिख सकते हैं, y बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू लिख सकते हैं। तो ये मेन सूत्र है इसका, इसी सूत्र से बाह्य विभाजन का सूत्र बनेगा और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो इससे बनेगा। मेन सूत्र ये आपके, इस सूत्र को अपन को अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे वैसे याद करने का तरीका क्या है, एम वन एम टू नीचे भी क्या आ रहा है एम वन एम टू, अगर वन आ गया तो इसका एक्स का मान क्या आएगा टू, और यहाँ टू आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा वन, इसी प्रकार से यहाँ पे वाई टू यहाँ पे क्या आएगा वाई वन आएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको डिटेल निकाल सकते हैं और समरूप द्विभुज की सहायता से भी इसको पूरा डिटेल कर सकते हैं कि इसको अपन किस प्रकार से इसका डेरिवेशन करके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करके निकाला जाता है। तो मेन सूत्र ये चीज़ें ये याद रखना अपन को, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में इसका पूरा विवरण नहीं आता है, अपन को मेन चीज़ ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र की सहायता से। अब ये समझ में आ गया आपको, तो अब इसका अपन को बाह्य विभाजन करना है, अगर ये बिंदु पी यहाँ न होकर बाहर हो तो किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा, उसे कहते हैं बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, जब ये ध्यान रखना अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में एक ही अंतर है, यहाँ पे अंत विभाजन में प्लस होगा और बाह्य विभाजन में क्या होगा माइनस होगा, बस इतना ही अंतर है। पी ओ एक्स एंड वाई इजिकल टू यहाँ पे एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, यहाँ पे एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम वन माइनस एम टू, ये आपका सूत्र हो गया बाय विभाजन का। आया समझिए, यहाँ पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बाय विभाजन। जब अपन को ये कहा जाए कि जब अनुपात हो, जैसे अपन ने एक बार और बता देता आपको, यहाँ पे एम वन और एम टू का जो अनुपात आया, माना इसका एक बटे में दो आया, ये अनुपात आएगा आपके, अगर ये प्लस में आ रहा है तो कौन सा विभाजन करेगा अंत विभाजन, अगर ये यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया माइनस का तो कौन सा विभाजन करेगा बाह्य विभाजन। तो ये मेन दो सूत्र हैं, इससे इन दोनों सूत्रों को अपन को ध्यान में रखना है। तो बना किससे, इसी से बना, ये सूत्र इसी से बना, क्योंकि केवल माइनस लग गया और वो बाह्य विभाजन बन गया और ये प्लस विभाजन, तो अपन को याद कौन सा सूत्र रखना है, ये सूत्र रखना है, इससे अपन को आसानी से ये सूत्र प्राप्त हो जाए। अब देखो इसके अंदर, अब तीसरा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, मध्य बिंदु प्रसंग वो कब हुई है, वैसे का वैसे ही है, अपन को ये कह दिया गया कि एक बिंदु ए बी रेखाखंड दे रेखा है और पी इसका मध्य बिंदु है, क्या कह दिया ए बी रेखाखंड का, रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे ये पूछ लिया। तो यहाँ पे M1 और M2 का मान नहीं दे रहेगा, नहीं दे रहेगा, इसलिए जब मध्य बिंदु होता है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होता है बराबर, तो उसका अनुपात क्या माना जाता है अपन को एक और एक अनुपात माना जाता है, जब मध्य बिंदु हो तो इसका अनुपात एक और इसका अनुपात भी क्या होगा एक ही होगा। तो अब इसके अंदर वही
एक्स टू सॉरी एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स और वाई। अब इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा, मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु दे रखा हो तब इसका सूत्र क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स एंड वाई बराबर। अब यहाँ पे जैसे ये वाई वाई का सूत्र, यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, एक रख देते हैं, यहाँ पे भी क्या रख देते हैं, एक रख देते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक और यहाँ पे भी एक। केवल मध्य बिंदु है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अंतर विभाजन ही होगा, क्योंकि अंदर ही रहेगा बाहर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अंदर ही रहेगा मध्य बिंदु दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अपने m की जगह एक एक रखा तो क्या बना, x2 प्लस x1 अपॉन a प्लस a, यहाँ पे y2 प्लस y1 अपॉन a प्लस a। तो p ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सीधा अपन डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, जिसमें मध्य बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, और इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, मध्य बिंदु आसानी से सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपन को अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, अपन को ऐसे दे दिए जाए, ये कह दिया जाए कि ए बी रेखा खंड, ए बी रेखा खंड को पी बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो किस अनुपात में विभाजित कर दिया। अब अपन को कह दिया इसके भी मान दे दिए, इसके भी मान दे दिए, इसके भी मान दे दिए। अब पूछ लिया m1 और m2 का मान ज्ञात करो कितना होगा, तो m1 और m2 का मान याद करने के लिए अपन को क्या करना है कि इसको अपन मान लेते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अपन मानेंगे कि p ab रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। यहाँ पे अपन लेमडा अनुपात एक भी ले सकते हैं और k अनुपात 1 अनुपात। तो इससे अपन की क्या सुविधा होगी, m1 और m2 यहाँ से हट जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, k और 1 आ जाएगा। तो उसका जो क्या होगा, p ऑफ x एंड y बराबर m1 की जगह क्या लेंगे, k। यहाँ पे क्या था, m1, m1 की जगह क्या आ गया, k। और यहाँ पे क्या था, x2। m2 की जगह क्या आ गया, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 अपॉन k प्लस 1, m1 प्लस m2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k y2 और y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये एक सूत्र और बन जाता है, कब, जब अपन को उसका अनुपात पूछ ले, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, अपन को पूछ ले ये अनुपात। तो ये सारा मेटर मिला के कौन से सूत्र से आया, अंतर विभाजन से। मेन सूत्र कौन सा है इसका, ये याद हो जाएगा तब अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्लस एम, इसी से सारा मना, कैसे, मध्य बिंदु होगा तब यहाँ पे एक एक रख दिया गया, जिससे अपन के बन गया ये। जब अनुपात के बारे में कहा गया, के अनुपात एक, तो इनकी सभी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह एक के रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया, एक रख दिया, ये वाला सूत्र का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अपन अध्याय 9.2 शुरू करते हैं, जो भाग सेकंड के अंदर कर रहे हैं अपन। अपन ने अभी जो सूत्र पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, उस, अब क्वेश्चन नंबर एक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रही है, जो बिंदु 3 और 5 और 7 और 9 को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें, 2:3 में विभाजित करें, और कौन सा अनुपात विभाजित करता हो, अंतर विभाजित करता हो, कौन सा विभाजित करता हो, अंतर विभाजित। तो अब अपन के पास दे रखा, अपन मान के चलते हैं कि ए बिंदु के निर्देशांक ए के 3 और 5, बी के 7 और 9, और अनुपात जो दे रहेगा अपना, वो अनुपात क्या दे रहेगा, 2:3 दे रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को पी बिंदु 2:3 में अंतर विभाजित करता है, विभाजित करता है। हाँ, अपन क्वेश्चन नंबर एक के अंदर जान लो, वापस सेम आ रिपीट क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 और 7 और 2 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। तो इसमें अंदर क्या लिखा कि ए बी रेखाखंड पी बिंदु को, पी बिंदु
ए बी रेखाखंड को पी बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। तो कौन सा विभाजन करता है? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन के लिए अपन के पास सूत्र क्या है? पी ऑफ एक्स एंड वाई। अपन को निर्देशांक किसके ज्ञात करना है? इसके लिए देखो सही तरीका क्या है, आप एक चित्र बना लो, इससे अपन को गलती नहीं होगी। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? बी लिख दिया। पी बिंदु कहाँ पे मान लिया अपन ने? यहाँ मान लिया। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 3 और 5। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 7 और 9। अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। तो अपन को कौन सा निर्देशांक ज्ञात करना है? पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये पी बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने क्या होंगे? तो अपना जो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, अंतः विभाजन सूत्र वो क्या होता है? पी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये इसका क्या होता है? सूत्र। अब इसके अंदर मान लो पी ऑफ एक्स एंड वाई दे रखा है, राइट। अब यहां पे m1 कितना है? ये तो अपन यहाँ पे लिख लो m1, ये आपका m2, ये आपका x1 y1, ये आपका और x2 y2। अब अपन को इसके अंदर बार बार देखने के लिए, इसको देख के अपन इसके अंदर क्या रखो? मान। इससे क्या होगा? गलती नहीं होगी अपने मान रखने में। और सदैव ये भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से रखो। 6 नंबर की प्रश्न बन गया आएगा इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पे m1 कितना है? 2। x2 कितना है यहाँ पे? 7। m2 कितना है यहाँ पे? 3। x1 कितना है यहाँ पे? 3 अपॉन 2 + 3 m1 + m2। वापस m1 कितना है? 2। लेकिन y2 कितना है यहाँ पे? 9 प्लस m2 कितना है यहाँ पे? 3। y1 कितना है यहाँ पे? 5 अपॉन m1 + m2 3 + 2। P of x and y is equal to 7 × 14 + 9। ये टोटल आपका कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 9 × 18 + 5 = 15 अपॉन 5। यहाँ पे P of x and y is equal to, ये इसके अंदर क्या कर दो? जोड़ दो। कितना आ जाएंगे? 23। 23/5। और ये इसके अंदर क्या कर दो? जोड़ दो। कितना आ जाएंगे? 3/5। ये आप क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया? ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? ये पूछा जाएगा इसके अंदर। ये नॉर्मल पर्सन जब स्टार्टिंग करते हैं आप उनमें से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पी ऑफ, या मतलब कि किसी बिंदु के निर्देशांक जब अनुपात दे रखा हो, दो बिंदु दे रखे हो और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जाए, तो पहला प्रश्न ये है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न है वो कर लोगे आप आसानी से मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर क्या करना है? इसके जो विभाजन कहा जाए उसी विभाजन, जरूरी है यहाँ पे अगर इस विभाजन की जगह बाह्य विभाजन कर दिया जाए तो यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। करने का तरीका क्या रहेगा? वो का वही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप उनको। ऐसा नहीं है तो इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं आप। अब इसी प्रश्न को अपन चेंज करके लिखते हैं, जैसे प्रश्न वापस क्या आ रहा है? वापस देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 5 और -2 - 1 / 1/2 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड 7:9 में विभाजित करता है। लेकिन कौन सा विभाजन करेगा? बाह्य विभाजन करेगा। तो बाह्य विभाजन के लिए अपन को क्या करना है कि यहाँ पे अपन को ये कह रहा है बाह्य विभाजन कर रहा है, तो अपन यहाँ पे मान लें कि ए के निर्देशांक क्या है? 5 और -2। बी के निर्देशांक क्या है? -1 / 1/2 और 4। इसको सरल कर लें आप, 2 और -3/2 और 4। और अनुपात क्या है इसका? 7:9 दे रखा है, ठीक है। अब अपन के पास ये 7:9 दे रखा है, अब बाय विभाजन कर रहा है। कौन सा विभाजन कर रहा है? बाय। तो अपन यहाँ लाइन लिखेंगे ए बी रेखाखंड को, रेखाखंड को पी बिंदु बाह्य विभाजन करता है।
विभाजन करता है। तो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, और यहाँ पे एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, ये सूत्र बनता है। यहाँ पे क्या लगता है माइनस, और अंतिम विभाजन में क्या लगता है प्लस। अब इसके अंदर इसका मान रख दो, पी ऑफ एक्स एंड वाई एम वन कितना है इसका सात, एक्स टू कितना है इसका, जैसे इसको ये एक्स वन वाई वन, ये आपका एक्स टू वाई, इस प्रकार से ऊपर से लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का तीन बटे दो, माइनस यहाँ पे एम टू कितना है नौ और एक्स वन कितना है पाँच अपॉन क्या आ जाएगा सात माइनस नौ। एम वन कितना आ रहा है इसका वापस सात, यहाँ पे वाई टू कितना आ रहा है चार, एम टू कितना आ रहा है इसका नौ इंटू वाई वन कितना आ रहा है माइनस का दो, और वही सात माइनस नौ। तथा पी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो माइनस का इक्कीस बटे में कितना हो जाएगा दो, और इसको करेंगे नौ पंजे कितना हो जाएगा पैंतालीस माइनस पैंतालीस अपॉन, यहाँ पे माइनस का कितना बच गया दो बच गया, यहाँ पे सात चौक अट्ठाईस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नौ दूनी अट्ठारह अपॉन माइनस का कितना आ गया दो। अब आप इसके अंदर क्या करो, लेस से लेके इसको क्या करना सरल करना, इसको लेस से लेके सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पी ओ एक्स एंड वाई के बराबर है, ये पुनः लेस से लिया कितना आया इसका दो, इसका लेस से आया ये माइनस का इक्कीस और माइनस का कितना हो जाएगा नब्बे, पैंतालीस दूना कितना जाएगा नब्बे, और अपॉन दो इस माइनस का इसके नीचे है। ये ध्यान रखना ऐसे नहीं हो इसके दो लिख दिया और इसका नीचे वाला माइनस दो लगाना भूल गया, ये गलती होती है अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्या होता है जल्दबाजी में करते हैं, ये दो लिख दिया ठीक है इसको भूल गए, वो आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपन को ध्यान रखना है, और यहाँ पे अपन को इसके अंदर क्या कर दो जोड़ दो आठ आठ सोलह, और ये हो जाएगा बस माइनस का दो। तो यहाँ पे ये अब इसके अंदर ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 111 माइनस का 2, और इसको काट दो आप, ये माइनस ये चिन्ह माइनस का यहाँ पे लग जाएगा और 2 और 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 111 अपॉन 2 और माइनस का 23, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो समझ आया जी, समझ आया नहीं है, तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे दो दूनी कितना हो रहा है चार हो रहा है, यहाँ ध्यान रखना है दो दूनी कितना हो जाएगा चार हो, और ये इसका आंसर आ जाएगा, आया समझ नहीं है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब तो लिखने की जरूरत नहीं, आराम से देख लेना और मिलाना इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के जो भी पर्सन है वो अब पर्सन देखो, आगे एक और देखते हैं अपन, जो आपके क्वेश्चन नंबर चार है, और क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है कि बिंदुओं, ये कह रहे हैं कि बिंदुओं दो बिंदु दे रखे हैं, वो है एक तो 22 और 20 और एक दे रखा है 0 और 16, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ पे अपन ये कह रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड या रेखा को दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब अपन को किसके बारे में पूछ लिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में पूछ लिया, तो अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बात आती है कि अनुपात तो नहीं दे रखा अपन को, तो अपन ये कह सकते हैं कि ए के निर्देशांक क्या है 22 और 20 और बी के निर्देशांक क्या है 0 और 16। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए बी रेखाखंड का पी मध्य बिंदु है, माना पी कोई बिंदु है वो इसका मध्य बिंदु है, जैसे ये ए बी रेखाखंड है और ये इसका पी क्या है मध्य बिंदु है। तो अपन को प्रश्न क्या है,
कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये इसके निर्देशांक ज्ञात करें, इसके तो हो गया 22 और 20 और इसके हो गया 0 और 16। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, इसको एक्स है वाई, तो अनुपात क्या रहेगा इसका, एक और एक मध्य बिंदु कह रहा है, मध्य बिंदु कहता है तब इसका अनुपात क्या होता है, एक और एक होता है। तो अपने पास मध्य बिंदु सूत्र है सीधा, मध्य बिंदु सीधा लगा दो, पी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, यही था सूत्र, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो ये आपका एक्स वन वाई वन, ये आपका एक्स टू वाई टू, ये हो गया पी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स वन 22 एक्स टू 0 अपॉन टू, ये 20 प्लस 16 अपॉन टू, और ये आ जाएगा 22/2 और ये आपके आ जाएगा 36/2 और बराबर ये आपके यहाँ से कटेगा तो 11 आएगा और यहाँ से कटेगा तो 18, तो आपके ये एक आंसर मिल जाता है। तो अब समझ में आया ये मध्य बिंदु के निर्देशांक बना सूत्र सब क्या एक ही से, पूछ रहा है अलग अलग अलग, तो अपन अभी तक वही सूत्र के अकॉर्डिंग ही अपन ने प्रश्न किए हैं जो अपन का भाग नंबर सेकंड चल रहा है उसके अंदर। तो आगे प्रश्न नंबर 3 में ध्यान दो, ये आपकी किताब का तीसरा नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O जो बिंदुओं A 1 और -3 B -3 और 9 को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:3 में के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों बिंदुओं को 1:2 में कौन विभाजित कर रहा है, मूल बिंदु, कौन विभाजित कर रहा है, मूल बिंदु। ये सिद्ध करना है कि ये जो मूल बिंदु है वो इसको 1:2 में विभाजित करेगा, इसका मतलब अपन के पास क्या आना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक आने चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 एंड 0, इसका मतलब अपने पास जो मान आएगा P का, या अपन बीच में P मानते हैं, उसका मान क्या आना चाहिए, 0 एंड 0, 0 एंड 0 आएगा तभी अपन कहेंगे कि वो मूल बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। और फिर वापस मान ने क्या कह दिया कि इसका बाय विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। दोनों अपन के पास इसके अंदर पूछ दिया, वापस प्रश्न को समझना, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। कैसे, अगर अपन इसका डायग्राम इस प्रकार से इसके बारे में सोचते हैं तो 1 और -3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, 1 और -3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, किसमें आता है, x प्लस का y माइनस का, इसका मतलब बिंदु यहाँ पे आना चाहिए। तो इस चतुर्थांश में a मान लेते हैं, a के निर्देशांक 1 और -3। अब -3 और 9 कैसे चतुर्थांश में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में आता है, वेरी गुड। यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये बी बिंदु -3 और 9। अब इसको मिलाने वाला रेखाखंड, ये इसको मिला है, तो ये बीच में आ गया मूल बिंदु, आगे नहीं आ गया, अपन मान लेते हैं ये ओ इसका मूल बिंदु है और इसको अपन एक्स और वाई मान के चलते हैं। वैसे तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0 एंड 0, लेकिन अपन को सिद्ध करना है कि वो मूल बिंदु से होकर जाएगा या मूल बिंदु है जो इसको 1:3 किसमें विभाजित करता है, 3 में विभाजित करता है। तो अपना आंसर इसका क्या आना चाहिए, 0 एंड 0 आएगा x और y की वैल्यू, तब अपन कहेंगे कि मूल बिंदु ही इस रेखाखंड को क्या करता है, 3:1 में विभाजित करेगा। तो अपन के पास यहाँ पे a के निर्देशांक 1 और -3, b के निर्देशांक अपन के पास दे रहे हैं -3 और 9, और ये लिखा अपन लिखेंगे मूल बिंदु ए बी रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। माना मूल बिंदु को अपन क्या मान के चल रहे हैं, एक्स और वाई मान के चल रहे हैं। अगर अपने इस मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई की वैल्यू 0 और 0 आएंगे तो अपन कहेंगे हाँ मूल बिंदु इसको विभाजित करता है। अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू दूसरी आती है तो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, मूल बिंदु इसको 1:3 में विभाजित नहीं करेगा। तो अपन के पास वही अंतर विभाजन
क्या सूत्र होता है, पी ओ एक्स एंड वाई, यहाँ पे ओ एफ ले लो कि अपन ने ओ मान के चला मूल बिंदु से, तो वही यहाँ पे हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, यहाँ पे हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये मानोगे। अब मान रख दो एक्स एंड वाई, ये आपका हो गया एक्स वन वाई वन, ये आपका हो गया एक्स टू वाई टू, और ये एक्स वाई है, और ये आपका एम वन हो गया, और ये आपका क्या हो गया एम टू हो गया, तो ये एम वन और एम टू। तो अब इसके अंदर मान रखते हैं, तो इसके अंदर मान रखा, इसके अंदर मान रखा गया कि इसके अंदर मान इस प्रकार से रखेंगे, तो इसमें एम वन, एम वन कितना आ रहा है एक, यहाँ पे एम वन कितना आ रहा है एक, इसको अपन उल्टा लिख दे, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, क्योंकि एक अनुपात दो में विभाजित कर रहा है, तो ये एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू और वाई टू, एम वन एक इन टू एक्स टू, एक्स टू कितना दे रहेगा एक, प्लस एम टू कितना यहाँ पे तीन, एक्स वन कितना यहाँ पे माइनस का तीन, अपॉन एम वन प्लस एम टू एक प्लस तीन, यहाँ पे एम वन कितना आ रहा है अपन के पास एक, वाई टू कितना आ रहा है माइनस का तीन, प्लस तीन इंटू वाई वन कितना आ रहा है नौ अपॉन एक प्लस तीन, यहाँ पे जीरो एक्स एंड वाई इजिकल टू एक इंटू एक एक, और इसको गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस तीन तीन नौ अपॉन कितना आ रहा है चार, और यहाँ पे माइनस का तीन और प्लस का कितना आ जाएगा नौ त्रिक सत्ताईस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा चार, तो यहाँ पे कितना आ गया इसके अंदर चार मान आ गया। तो इसके अंदर अपन को पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान दे अपन ने एक बार इसके अंदर वापस देखो तो कन्फ्यूज होगी, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, अपने यहाँ पे मान गलत लिख दिया, जबकि x2 का मान कितना है यहाँ पे तीन, तो एक बार वापस देखें इसको, थोड़ा सा मान लिखने में गलत हो गया, यहाँ पे m1, m1 तो अपन के पास दे रहेगा एक, x2 यहाँ पे कितना दे रहेगा तीन माइनस का तीन, प्लस m2, m2 कितना है तीन, x1 कितना है यहाँ पे एक अपॉन एक प्लस तीन, यहाँ पे m1 एक इंटू y2 कितना है यहाँ पे नौ, प्लस m2, m2 है तीन, लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस का तीन अपॉन एक प्लस तीन, ये हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे करते हैं, तो इसको गुणा करते हैं, माइनस का तीन और प्लस का तीन अपॉन चार, यहाँ पे नौ और माइनस का नौ अपॉन चार, अब यहाँ पे तीन से तीन कैंसिल, नौ से नौ कैंसिल, क्या हो गया जीरो, एक्स एम वाई इजिकल टू जीरो एंड जीरो, यही याद करना था। तो अपने बाद से मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है जीरो एंड जीरो, और उस बिंदु को एक अनुपात इन्हें विभाजित कर रहा है, वो भी इसके निर्देशांक में क्या है जीरो एंड जीरो, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं जीरो एंड जीरो मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो अर्थात अब आप समझ में आ गया कि मूल बिंदु ए बी रेखाखंड को एक अनुपात तीन में विभाजित करता है तो सिद्ध होता है, तो यहां पे क्या हो जाता है सिद्ध, ये होता है कि सिद्ध होता है कि मूल बिंदु ए बी रेखाखंड को एक अनुपात तीन में विभाजित करता है। अब अपन को यहां पे क्या गया कि ये बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन एक बात और पूछनी अपन को, क्या पूछी बाह्य विभाजन करता है, तो बाह्य विभाजन के लिए मैंने सूत्र बताया था क्या लगना है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे सीधा ही क्या करते हैं अपन माइनस लगा देते हैं, तो बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजन करता है, तो बाह्य विभाजन के लिए पीओ एक्स एंड वाई यहाँ पे बोल लो बराबर, अब सीधा मान यहाँ पे आ जाओ क्योंकि इतना तो कर ही लिया अपने, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे क्या आएगा माइनस तीन, यहाँ पे माइनस तीन अपॉन एक माइनस तीन, यहाँ पे क्या आएगा
नो माइनस माइनस नो अपॉन एक माइनस तीन बराबर माइनस के छः अपॉन माइनस का कितना जाएगा दो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नो नो अट्ठारह और माइनस का दो, माइनस माइनस कैंसिल यहाँ पे तीन और यहाँ पे माइनस का कितना जाएगा नो, ये इसका क्या जाएगा बाय वजन। तो इस प्रकार से अपन आसानी से कर सकते हैं बाय वजन के अकॉर्डिंग, आसान नहीं है। तो ये अपना भाग सेकेंड जो अपन ने अभी पढ़ा था, भाग सेकेंड के अंदर जो अपन के अंदर जो सूत्र बताया वो, और इसके क्वेश्चन चार तक अपन ने 9.2 के चार तक भाग सेकंड के अंदर कर लिया। अब भाग थर्ड के अंदर अपन आगे चार क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रश्नावली के चार प्रश्न करेंगे।